सीजीआई चंद्रचूड़ का बीजेपी को झटका। हम किसी चुनाव में बाधा नहीं डाल सकते। ममता बनर्जी के खेमे में खुशी। भारत के इतिहास में शायद ही किसी चीफ जस्टिस की इतनी चर्चा हुई हो जितना सीजीआई चंद्रचूड़ की हो रही हो। हर दिन किसी न किसी बड़े मसले पर फैसला सुनाते हैं, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। चीफ जस्टिस के एक फैसले ने मोदी सरकार की चिंता बढ़ाई तो ममता बनर्जी खेमे में खुशी आई। ममता बनर्जी के खिलाफ एक मामले को लेकर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सीजीआई ने हाथ जोड़ लिए। मैं इस काम में बाधा डाल नहीं सकता, माफ करिएगा, मैं इस याचिका को खारिज करता हूं। आखिर किस मसले को लेकर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी? चीफ जस्टिस के फैसले से ममता बनर्जी खेमे में खुशी क्यों आई? चीफ जस्टिस ने क्यों कहा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्या है पूरा मामला? असल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में शुभेंदु अधिकारी को कहा था कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया शुरू कर चुका है और इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब उसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जवाब दिया। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा हम कैसे चुनाव में हस्तक्षेप कर सकते हैं, इसलिए हम याचिका खारिज कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की क्या मांग थी? दरअसल पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी याचिका में निकाय चुनाव पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा था जिस आधार पर ओबीसी को सीटों में आरक्षण दिया गया उसी मानदंड पर एससी और एसटी की सीटों में आरक्षण दिया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका के साथ एक हलफनामा दाखिल कर चुनाव को केंद्रीय सुरक्षा बलों की देखरेख में कराए जाने की मांग की थी। लेकिन अभी के लिए बीजेपी नेता की किसी भी मांग को नहीं माना गया और निकाय चुनाव अपने तय समय में ही होगा। सीजीआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा? मामले की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्दीवाला की बेंच ने पूछा कि वह पहले से निर्धारित चुनाव को बीच में कैसे रोक सकते हैं। बेंच ने कहा चुनाव में बाधा डालना एक गंभीर मामला है और हम ऐसा नहीं कर सकते, हम दखल नहीं देंगे, सॉरी डिसमिस्ड। इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने क्या कहा था? कलकत्ता हाईकोर्ट ने 28 मार्च को पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह माना था कि चुनाव के लिए इस्तेमाल किए गए सीट आरक्षण मानदंड पर याचिकाकर्ता अधिकारी के विवाद में दम है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना था शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर जनहित याचिका के संबंध में इस स्टेज पर किसी भी हस्तक्षेप से राज्य में पंचायत चुनाव स्थगित हो सकते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायत सीटों के आरक्षण को लेकर बीजेपी नेता द्वारा उठाई गई आपत्ति पर भी कोई फैसला लेने का काम राज्य के चुनाव आयोग के ऊपर छोड़ दिया था। याचिका डालने वाले शुभेंदु अधिकारी कौन हैं? शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी के काफी करीबी थे, ममता की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। एक घोटाले में फंसे ईडी के छापे पड़े शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, उनके सारे पाप धो दिए गए जिन पर लाखों के घोटाले का आरोप लगा। अब बीजेपी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया है।